सब्जी हाउस। दीप नारायण ने विदेश जाकर बॉटनी में कई रिसर्च किए और कई सारे आविष्कार करके डॉक्टरेट के उपाधि भी लिए। एक दिन वो अपने लैब में रिसर्च कर रहा था कि अचानक यूरेका यूं चिल्लाने लगा। तभी उसका इंडियन कलीग राधा कृष्ण, क्या हुआ यार, क्या हो गया? तब दीप नारायण बहुत खुश होकर, राधा मैंने पता लगा लिया है कि बस सरसों जितना बीज बोने से एक ही सप्ताह में वो बीज बड़ा होकर उस पेड़ में कई सारी सब्जियां उगाती हैं। इसे तो पानी देने की भी जरूरत नहीं है, ये हवा के नमी से ही पानी लेती हैं और जल्दी से बढ़ जाती हैं। और इस बीज को बड़े पेड़ बनने के लिए इसके जड़ों के लिए केवल 1 किलो मिट्टी काफी है। मैं तुरंत जाकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इस रिसर्च के बारे में बताता हूँ। यूँ कहकर जाने ही लगा था कि तभी राधा कृष्ण ने उसे रोका और, रुको दीपू, पहले मेरी बात सुनो, बाद में तुम्हारा जो जी चाहे करो। तब दीपू रुका और हैरान होकर देखने लगा राधा कृष्ण। अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है दीपू, अभी तुमने जिस फॉर्मूला का पता लगाया है वो कोई साधारण रिसर्च नहीं है। इसे तुम अपने प्रोफेसर को ना दो, तुम ये सारे बीज लेकर अपने गांव चले जाओ। तुमने इन अद्भुत बीजों का पता लगाया है, इस बात की जानकारी सिर्फ तुम्हें और मुझे है और किसी को नहीं। हमारे देश में बहुत सारे गरीब हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, इन बीजों का फायदा उन्हें होना चाहिए। तब दीपू, लेकिन राधा यहाँ पर काम करते हुए अगर इन्हें बताए बगैर मैं चला गया तो ये गलत होगा ना? तब राधा कृष्ण, अरे पगले, अरबों खरबों कमाने वाले इस देश के लिए तुम्हारे इस रिसर्च के बारे में पता ना चलने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अब तुम ज्यादा ना सोचो और तुरंत अपने देश के लिए रवाना हो जाओ। एक भारतवासी होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है। एक गांव में भरद्वाज और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन भरद्वाज सीता सीता कहकर बुला रहा था। सीता आंसू पोंछते हुए आई और, अब क्या हुआ, हम अपने घर के बाहर आंगन में थोड़ी सी जमीन पर सब्जी उगाकर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अब वो भी इनसे देखा नहीं गया, वही जमीन चाहिए था इन्हें, ये सरकारी अफसरों ने आकर हमारी जमीन हमसे छीन ली और कहने लगे कि हाईवे बना रहे हैं, बस थोड़ी सी जगह छोड़कर चले गए, वैसे भी हमारा छोटा सा घर है, आगे की वो जमीन चली गई तो बचा क्या। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, दादाजी। भरद्वाज, ये क्या लगता है, ये हमारा दीपू की आवाज है, लेकिन उसे तो देश छोड़े हुए कई साल हो गए ना, लगता है ये मेरा सिर्फ वहम है। कहकर दरवाजा खोला, तब दीपू अंदर आया और कहने लगा, हाय दादाजी, हाय दादी माँ। दीपू को देखकर उन बूढ़े आंखों में एक चमक आई। तब दीपू, मैं फ्लाइट से उतरकर सीधा घर जाने के लिए कार बुक किया, सोचा पहले आप दोनों से मिलता चलूं, इसीलिए पहले यहाँ आ गया। पर ये क्या दादाजी, पहले तो घर के सामने बहुत सारी जमीन थी खाली, पर अब ये क्या हो गया। तब भरद्वाज, क्या कहूं बेटा, अब ये आधुनिकीकरण के नाम पर शहरें बढ़ रही हैं, तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के नाम पर हमारे जमीन हमसे छीनकर हाईवे बना रहे हैं, इसी का नतीजा है हमारे घर के सामने वाली जमीन हमसे छिन गई है। बेटा तुम्हारी दादी तो बहुत दुखी है, कहती है मेरा जमीन, मेरी खाली जगह थी वो। तब दीपू अपनी दादी को दिलासा देते हुए, तुम चिंता ना करो दादी, मेरे पास कुछ सब्जियों के बीज हैं, और तुम उन्हें जादुई बीज कह सकती हो, तुम घर के चारों ओर इन बीजों को छिड़क दो, फिर एक हफ्ते बाद देखना घर सब्जियों से भरा होगा, घर के दीवार और खिड़कियां भी नजर नहीं आएंगी, ये अपना घर सब्जियों का ढेर बन जाएगा। घर के अंदर भी थोड़ा सा गड्ढा खोदकर वहाँ पर बीज बो दो तो घर के अंदर भी कद्दू घिया लौकी सब उगते रहेंगे, इन्हें तो पानी देने की भी जरूरत नहीं है दादी। यूँ कह रहा था कि बाहर उसे कार का हॉर्न सुनाई दिया। तब दीपू, अच्छा तो मैं चलता हूँ, माँ और बाबूजी ने अब तक कई बार फोन लगाया है, 10-15 दिनों में मैं लौटूंगा, तब आकर देखूंगा इस सब्जी हाउस को। कहकर जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। एक हफ्ता बीत गया, वो सारा घर सब्जियों से भरा हुआ एक ढेर हो गया और वेजिटेबल हाउस के रूप में बदल गया, सिर्फ अंदर आने जाने के लिए एक दहलीज था, बाकी हर जगह सब्जियां ही सब्जियां थी। तभी आस पड़ोस की दो औरतें वहां आईं और, सुनिए, आप इसे सिर्फ अपने लिए उगा रहे हैं या हमें भी देंगे? तब दादी जो वहीं खड़ी थी, अरे बेटा उनसे क्या पूछती हो, ये सब्जियां मैंने उगाई है, आप लोगों को जो सब्जी पसंद हो उन्हें काट कर ले लो और जो आपसे बन पड़े वो पैसे उस डब्बे में डाल दो। यूं कहा खुश होकर। इस तरह दादी माँ का घर एक छोटा सा सब्जी मंडी बन गया।
धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में फैल गई। एक दिन उस एरिया का कॉरपोरेटर जीप में उस रास्ते से गुजर रहा था कि उसने गाड़ी रोका और पूछने लगा, ये सब्जियां किसकी हैं और यहाँ पर इतनी सारी सब्जियां उग कैसे जाती हैं और आप इसे कैसे बेच सकते हो, ये सब्जी हाउस कैसे बना, यूं वो जोर से पूछने लगा। तब भरद्वाज, ये मेरे पोते दीपू ने बीज दिए थे जिन्हें छिड़क कर हमने ये सब उगाया है। तब कॉरपोरेटर, आप अपने पोते को बुलवाइए। तब भरद्वाज, वो पड़ोसी गांव में रहता है, ये लीजिए उसका फोन नंबर, कहकर उसका फोन नंबर दिया। तब कॉरपोरेटर के आदमी गए और दीपू को लेकर कॉरपोरेटर के सामने खड़े हुए। कॉरपोरेटर, सुना है कि तुम्हारे पास जादुई बीज है, जरा मुझे देना। तो तब दीपू, मंगवाता हूँ लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है, एक फोन लगाता हूँ, कहकर उसने कलेक्टर को फोन लगाया। दोनों थोड़ी देर अंग्रेजी में बात करने लगे। बाद में दीपू, उन्होंने कहा है कि 10 मिनट में भेज रहे हैं, अभी आ रहे हैं। 10 मिनट बाद कलेक्टर पुलिस के साथ वहां पहुंचा और इस कॉरपोरेटर और उसके आदमियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कहा। कॉरपोरेटर गिड़गिड़ाता हुआ, सर सर मैं इसे नहीं जानता, किसी ने मुझे कहा कि इसके पास जादुई बीज है इसीलिए। तब कलेक्टर, यू फूल, तुम जानते हो ये कौन है, ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, जितने गरीब देश हैं वहाँ के नागरिक भूखा ना सोएं ये सोचकर इन्होंने इस बीज का आविष्कार किया है। ये इतने महान वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विदेश में अपनी नौकरी छोड़ी और अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए यहाँ आए और तुम अपने गुंडों की मदद से इनको धमकाते हो, यूं कहा गुस्से में। तब कॉरपोरेटर ने अपने कान पकड़ लिए और कहा, साहब मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने ऐसा काम किया, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा सर, ऐसा कहा।